दोस्तों साल 2018 में आई KGF तो आप सबने देखी होगी, जिसमें लीड रोल में साउथ के सबसे मशहूर अभिनेता यश नजर आए और एक्ट्रेस के तौर पर अभिनेत्री श्रीनिधि शेट्टी नजर आई थी। ये साल 2018 की सुपरहिट फिल्म रही, जिससे लेकर ऑडियंस के मन में क्रेज अभी भी है और जज्बा भी। इसलिए KGF चैप्टर 2 जल्दी साल 2022 में रिलीज होने वाली है, जिसमें यश और श्रीनिधि के साथ साथ बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन भी नजर आने वाली है पॉलिटिशियन रमिका सेन के नकारात्मक किरदार में, जिसकी वजह से ये फिल्म और भी ज्यादा रोमांचक बन गई है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए रवीना टंडन पहली पसंद नहीं थी। इनसे पहले भी कई अभिनेत्रियों को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया, लेकिन किसी कारण से उन अभिनेत्रियों ने इसे रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद ये ऑफर रवीना टंडन को मिला। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको उन चार मशहूर अभिनेत्रियों से रूबरू करवाएंगे, जिन्हें रवीना टंडन से पहले इस फिल्म में अप्रोच किया गया था। तो आइए कौन सी हैं वो अभिनेत्रियां जानते हैं। नंबर 1 माधुरी दीक्षित। इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम है 90 के दशक की डांसिंग दीवा अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का, जिन्होंने कई सालों तक बॉलीवुड पर अपनी खूबसूरती और डांसिंग के खेल से राज किया। लेकिन आपको बता दें, इन्हें KGF चैप्टर 2 की रमिका सेन के किरदार के लिए अप्रोच किया गया, जिसे इन्होंने अपनी फैमिली के साथ व्यस्त होने की वजह से मना कर दिया। नंबर 2 शिल्पा शेट्टी। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है धड़कन फिल्म में अंजलि का किरदार निभाकर सबके दिलों की धड़कन बनने वाली शिल्पा शेट्टी का, जिन्हें इस फिल्म में रमिका सेन के किरदार के लिए अप्रोच किया गया, जिसे इन्होंने किसी और प्रोजेक्ट में बिजी होने की वजह से मना कर दिया। इस तरह से इनके हाथ से भी साउथ की सबसे बड़ी फिल्म में काम करने का मौका छिन गया। नंबर 3 राम्या कृष्णन। लेकिन जब इन्हें इस फिल्म में रमिका सेन के लिए अप्रोच किया गया तो इन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इन्हें फिल्मों में अपना रोल पसंद नहीं आया। इन्हें पॉलिटिशियन के रूप में अपना किरदार कुछ खास नहीं लगा था, जिसकी वजह से इन्होंने रमिका सेन के किरदार के लिए फिल्म में मना कर दिया। नंबर 4 काजोल। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम है बॉलीवुड की क्वीन काजोल का, जो 90 के दशक से बॉलीवुड पर राज कर रही हैं। लेकिन आपको बता दें, KGF 2 फिल्म में रमिका सेन की भूमिका निभाने के लिए इन्हें भी ऑफर किया गया और रमिका सेन के किरदार को स्वीकार कर KGF 2 फिल्म करने के लिए राजी भी हो गयी, पर इन्होंने इस फिल्म में काम करने के लिए काफी ज्यादा फीस मांगी, जो फिल्म के मेकर्स दे नहीं पाए, जिसकी वजह से इन्होंने तो फिल्म ठुकराई ही, साथ ही मेकर्स ने भी इन्हें मनाने की कोशिश नहीं की और रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद फिल्म मेकर्स ने रवीना टंडन को अप्रोच किया। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इन अभिनेत्रियों के बारे में जानकर, फिल्म मेकर्स का रवीना टंडन को अप्रोच करना सही है या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साउथ इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।